नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। अगर आपने अभी तक, जी हां अभी तक सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहला काम ये कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। हां, वीडियो देखने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। साथ ही मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, मुझसे आपकी सहमति होती है तो आप बाय मी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी भी खरीदें और मेरे साथ रहें। यह आपसे आग्रह है और मैं चाहता हूं कि हमारी सदस्यता, हमारा सब्सक्रिप्शन तेजी से बढ़े और 10,000 की संख्या पार करे। इसमें आप मेरे मददगार हो सकते हैं, तो सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कीजिए आज और अभी, क्योंकि यहाँ सब कुछ ही है खास, कुछ भी नहीं बकवास। आज गली गुलियां फिल्म की चर्चा करूंगा मैं। गली गुलियां फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन दीपेश जैन ने किया है और फिल्म में मुख्य भूमिका मनोज बाजपेयी ने निभाई है। मैंने यह फिल्म 2018 में देख ली थी। अभी जब से यह स्ट्रीम हो रही है तब से मैंने कई दोस्तों को कहा कि आप यह फिल्म जरूर देखें। उनमें से जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और यह कहा कि आपने एक अनोखी और अल्पचर्चित फिल्म के बारे में बताकर हमारे लिए नेक काम किया, क्योंकि अगर हमें समय से पता नहीं चलता तो इस फिल्म से हम वंचित रह जाते। जी हाँ, ऐसी ही फिल्म है गली गुलियां। गली गुलियां खुद्दूस की कहानी है। खुद्दूस दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक कमरे में रहता है। उसने खुद को बंद कर रखा है। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क सिर्फ सीसीटीवी के माध्यम से है। हाँ, वह आवाजें सुनता है और आवाजें सुनकर परेशान होता है। इद्रिस की आवाज उसे परेशान करती है। इद्रिस उसके कमरे की दीवार के बाहर वाले कमरे में रहता है और उसकी आवाज बराबर आती है, क्योंकि इद्रिस की पिटाई उसके पिता किया करते हैं। वह इद्रिस की खैरियत जानना चाहता है, वह इद्रिस की मदद करना चाहता है, वह इद्रिस को उस जहालत से निकालना चाहता है, वह इद्रिस को उस बदतर हालत से बाहर करना चाहता है, लेकिन खुद्दूस की खैरियत कौन लेगा? मुझे लगता है कि निर्देशक दीपेश जैन ने खुद्दूस की खैरियत ली है इस तरीके से कि उन्होंने खुद्दूस के चरित्र को हमारे सामने रखा है। खुद्दूस आत्मलिप्त, आत्म केंद्रित, संशय में रहने वाला, संदेही और कहीं न कहीं शोक संतप्त व्यक्ति है। उसके जीवन में दुख है और दुख ऐसा उसके ऊपर तारी हो गया है कि वह उसकी आंखों से झलकता है, क्योंकि वह जिससे भी बात कर रहा होता है उससे अपनी आंखें चुराता है। वह लोगों का सामना नहीं कर पाता, लेकिन अंदर से वह इतना कोमल, भावुक और मददगार व्यक्ति है कि वह इद्रिस के लिए परेशान रहता है। वह ख्यालों में रहता है, वह बुरा सोच लेता है, वह चाहता है, कि भलाई हो किसी की, लेकिन वह परेशान है। उसका एक ही दोस्त है रणबीर शौरी के किरदार के तौर पर, वह आता है गणेशी। अपने भाई से उसकी नहीं निपटती है। भाई जब भी उसके पास आता है वह काम में बिजी हो जाता है। विचित्र किरदार है। आपने ऐसे किरदार, इतने संतप्त किरदार आपने पर्दे पर नहीं देखे होंगे और उसे जिस गहराई के साथ, जिस बारीकी के साथ मनोज बाजपेयी ने निभाया है वह अभिनय की ऊंचाई है। मनोज बाजपेयी बेहतरीन अभिनेता हैं। अगर कभी उनसे बात होती है और मैं कहता हूं कि आपने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं यह तो सामान्य बात है, आगे कुछ कहिए। जी हाँ, मनोज बाजपेयी के लिए किसी फिल्म में अपने किरदार को सही तरीके से, स्वाभाविक तरीके से निभा लेना एक आम बात है, लेकिन इस फिल्म में
उस आम बात को मनोज ने खास बना दिया है, इसलिए मैं आप सभी से सिफारिश करूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखिए। जी हाँ, आपको बेहद खुशी होगी और एक संतुष्टि होगी कि आपके आसपास, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके परिचितों में एक ऐसा अभिनेता है जो अभिनय की तमाम चुनौतियों पर खरा उतरता है और संतुष्ट करता है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।